टू फ्रेंड्स फैमिली माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशा इन कुवैत। एंड मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम, गुड मॉर्निंग। और आज का वेदर है बहुत ही प्यारा और बाहर हो रही है बारिश बहुत ही तेज़। सी मौसम बहुत प्यारा है, बारिश हो रही है। और अभी अभी मैं उठी हूँ तो मैंने देखा कि बाहर जाना चाहिए, लेकिन अफसोस कि मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, सब बाहर ड्यूटी पे गई हुई है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। और देखा होगा अपने रूम भी बड़ा मैसी सा हो रहा है, कपड़े भी यहाँ डाले हुए हैं क्योंकि बाहर हो रहा है काम। और शू रैग भी अंदर ले गई हूँ, सब कुछ अंदर है। सी आई विल शो यू, ये देखें। अभी जस्ट मैं उठी थी तो मैडम आई, उन्होंने कहा कि पेंट करवाना है, तो वो तो रूम के अंदर करवाना चाह रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि अंदर नहीं क्योंकि इवनिंग ड्यूटी पे जाना है तो नहीं करवा सकते। तो खैर उन्होंने कहा कि ठीक है आप इनको बाहर को कवर कर दो सामान को। तो ये सारा देखेंगे, सारा बाजी का है, साथ वाले रूम्स वाली का, तो इनमें से हमारा कोई सामान नहीं है, तो ये सारा उसने कवर कर दिया है। वो नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, वो भी उसने अपना सामान कवर कर दिया। और देखो ये एक बंदा इतने बैग लेके बैठा हुआ है, इतने इतने तो बैग हैं इनके। तो आई थिंक सो, पता नहीं वो कब आएंगे, बेल तो उन्होंने की है, अभी देखते हैं। मैं अभी बस उठी थी तो सोचा व्लॉग शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। और वही मैं बनाती हूँ नाश्ता। सबाहत मॉर्निंग में गई है, उसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अभी अभी मैंने की अपने हस्बैंड से बात और उनको यही बताया कि हमारे पेंट चलने लगा है, तो मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि सबाहत ने मुझे लगा दिया है एक्सरसाइज पे। उसको लगता है मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। सी उसको लगता है मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, और रियली इट्स ट्रू, मैंने किया है वेट गेन, बहुत वेट गेन किया है मैंने। तो ओ गॉड, उसने मुझे 2 दिन से एक्सरसाइज कराई है, मेरी टांगे इतनी को दर्द हैं और मतलब मसल्स पूरी तरह स्ट्रेच हो गए हैं, तो मैं इसे उठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता। तो उसने मुझे डराया हुआ है कि अगर आपने इसको ना कंटिन्यू किया इस एक्सरसाइज को, तो ये आपके जो पेन है ना, ये 1 साल तक रहेगी। तो 1 साल तक तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इस पेन को, तो बेहतर है कि मैं एक्सरसाइज ही करूँ। सो हम करते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद हम करेंगे ब्रश करेंगे, मुँह धोएंगे, फिर करेंगे अच्छा सा ब्रेकफास्ट। तो आज का आज मैं बनाऊँगी आलू बैंगन। तो बैंगन पड़ा हुआ है फ्रिज में और आलू भी पड़ा हुआ है, तो आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन। सो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी आलू बैंगन की, कि पाकिस्तानी। आप सबको मेरी भिंडी कैसी लगी थी आप सब ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मेरा व्लॉग देखें। और बिल्कुल ऑयल फ्री है, बिल्कुल इसमें ऑयल नहीं है। जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, वो इस तरह की भिंडी बना के लाजमी खाएँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल ऑयल नहीं था। सो करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। सो बहुत ही इजी, दिखने में बहुत इजी है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। सो ये है हमारी पोजीशन और हम इस तरह सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे। 1, 2, 3, 4 मैं अभी नहीं कर सकती इसलिए मैं सिर्फ 20 करती। 5 बहुत मुश्किल है सबाहत की बच्ची, तो मुझे किस काम में डाल गई है। 6, 7 इसमें वेट, इसमें आपको सांस नहीं लेनी होती है, कंटिन्यूसली करना होता है, लेकिन मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई हैं, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, लेकिन होप सो मैं कोशिश कर रही हूँ। 7, 8 नहीं कर पा रही हूँ सबाहत। 9 नहीं हो रही सही से। ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट। 10 11 देखे मेरी आवाज भी नहीं निकल। 10 नहीं 11 12 13 15 16 बैक आपको पूरी स्ट्रेट रखनी है और पूरी तरह आपको सिटिंग पोजीशन में बैठना, जैसे चेयर पे आप सिटिंग पोजीशन में बैठो। 17 पर मेरी बैक बिल्कुल कर्व्ड हो रही है क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है। सो स्लोली स्लोली डे बाय डे आई एम बेस्ट।
19 सब आहत होती तो वो मेरी बैक पे मार मार के कहते सीधा कर 20 ओ गॉड आई कैन नॉट स्टैंड आफ्टर दिस एक्सरसाइज आई कैन नॉट स्टैंड सो और अपनी बैक को करना है स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वॉल पुशेस आपको सिर्फ 10 करने वॉल पुशेस आपको सिर्फ 10 करने और देखे मेरा मेरी हार्ट रेट इतनी बढ़ गई है मेरा सांस फूल रहा है और मैं बैठ नहीं पा रही हूँ ओहो बहुत मुश्किल है वेट गेन करना बहुत आसान है लेकिन उसको बाद में कम करना बहुत मुश्किल है सो हम लोग खाते भी बहुत हैं शुक्र है खुदावंद का मैं सुबह आपको कहती हूँ एक्सरसाइज वो करा जिसमें डाइट पे कंट्रोल ना हो तो वो मुझे ये कहते हैं कि नहीं डाइट पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा आपको सो अभी तक वो आई नहीं है पेंट करने वाला एक्सरसाइज हमने कर ली है वो शुरू से करती रही एक्सरसाइज इसलिए उसको मुश्किल नहीं मैंने कभी की नहीं है इसलिए मेरे लिए मुश्किल है सो खैर डे बाय डे मैं भी उसकी तरह अच्छी हो जाऊंगी तो जल्दी से ब्रश करते हैं मुंह धोते हैं फिर उसके बाद करते हैं नाश्ता मज़े मज़े का फिर उसके बाद करते हैं बैंगन की रेसिपी सो ये देखें गाइस मैं आप लोगों के लिए जो है ना नीचे आई हूँ दिखाने के लिए देखें कितनी बारिश हुई हुई है देखें वेदर देखें आप कितना खूबसूरत है और वो रहा हमारा रूम वाओ कुवैत का ब्यूटीफुल वेदर और यहाँ जून जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है जून जुलाई अगस्त सितंबर बहुत गर्मी पड़ती है कि आप हर जगह वैसे एसी हैं लेकिन जब आप वैन से निकल के ये सिर्फ थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है ये हमारा हॉस्टल है और वहाँ वैन खड़ी होती है इतने से वॉकिंग डिस्टेंस में नोज़िया वॉमिटिंग मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो आप बाहर नहीं फिर सकते हो लेकिन फिर भी लोग फिरते हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं नोज़िया वॉमिटिंग और गर्मी वो फिरते हैं कराची की नस्बत यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं आई थी नीचे कि आपको वेदर दिखाऊँ खूबसूरत सा ये देखें बारिश के बाद कितना खूबसूरत वेदर है और अच्छी खासी ठंड भी हो रही है सो ऊपर वो कलर वालों ने काम शुरू कर दिया है और सारी चीज़ें बिखर गई हैं पूरे अपार्टमेंट में तो ये है हमारा वेदर और वो भाई पी रहे हैं कॉफ़ी विद डॉग जैसे कॉफ़ी विद करण है ये साथ ही गैरेज है उसके साथ ही अलमुल्ला एक्सचेंज है जहाँ से हम मनी सेंड करते हैं और घर से मंगवा सकते हैं घर बेच सकते हैं करीब ही है मैं सोच रही थी शाहीन को लेके जाऊं और बाहर नाश्ता करूं लेकिन शाहीन शायद मॉर्निंग में गई हुई है उसका भी मेरी तरह कुछ कंफर्म नहीं था मुझे भी सुबह 5 बजे बोला है कि आप आज ऑफ करो तो इसलिए फिर अभी मैंने फिर कंफर्म किया कि ऑफ है तो उन्होंने कहा यस टुडे इज़ योर ऑफ तो क्योंकि मैं कल चले गई थी सैटरडे मॉर्निंग में मेरा ऑफ था कल लेकिन आज मैं चले गई थी सैटरडे को तो फिर उन्होंने आज ऑफ दे दिया फिर बैलेंस में ऑफ जाते जाते हैं तो ऑफ़ ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए फिर मुश्किल होता है बाद में तो इसलिए आज मैंने किया है ऑफ और मैं आई हूँ बाहर खूबसूरत सा वेदर इन्जॉय करने के लिए सोचा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दूँ और अभी भी बारिश हल्की 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 बूंदाबांदी हो रही है मैसी हो रहा है और ये बाद में सारा क्लीन करना घर की याद आ गई है कि घर में जब पेंट होता था तो इसी तरह से सारा मैसी हो जाता था और ये बाहर का वेदर बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ सो ये हमारी गैलरी है और ये हमारा अपार्टमेंट है सी और मैसी वॉशरूम में भी काम चल रहा है और ये हमारा रूम है अभी इन्होंने इस दीवार को भी करना है भाई कलर इस दीवार को भी कलर करना है इन्होंने यही कहा है
तो अब देखो क्या करते हैं, बहुत मुश्किल है। नाश्ता बन चुका है? चाय बन गई है, सालन सबात बना के गई हुई थी कि शायद कल रात को उसने बनाया था, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जल्दी सो गई थी, थकी हुई थी। तो देखें मैं बेड को थोड़ा सा इस तरफ कर देती हूँ क्योंकि उन्होंने काम करना है, तो इस तरफ का तो मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मेरा स्टूडियो बना हुआ है, तो मैं अब इसको नहीं उतार सकती हूँ, मैंने बहुत प्यार से लगाया हुआ है, और इस तरफ भी नीट नहीं है, साफ है दीवारें, तो वो इस वाली दीवार को सिर्फ करेंगे ताकि नीट लगे। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और एवरी ईयर ये लोग फर्निश करवाते हैं थोड़ा सा घर, लेकिन ये है कि रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। आप काम करवा रहे हो, आप सडनली नहीं बताओ, आप 2 दिन पहले जो है वो बताओ ताकि सब लोग अपनी अपनी चीज़ें समेटें। अब सडनली मैं सो रही हूँ एंड शी नॉक्ड एंड शी टोल्ड सिस्टर रिमूव योर थिंग्स, रिमूव योर थिंग्स, सो इट्स सो डिफिकल्ट। बाहर का वेदर आज बहुत खूबसूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई फ्रेंड नहीं है मेरी, कोई फ्रेंड नहीं है कि मैं उनको बोलूं कि चलो यार बाहर चले, तो इसलिए शाहीन को कॉल करी थी, शाहीन सो रही थी इसलिए उसने कॉल ही नहीं उठाई है। तो अब देखती हूँ मैं, कुछ भी नहीं, बाहर जाके बैठूंगी, थोड़ी देर नाश्ता कर लूँ, वो पेंट कर लें, फिर क्लीन करूँगी रूम अपना, फिर बाहर जाके बैठूँगी। सामान थोड़ा सा इस तरफ ले जाओ कि इससे पहले आके कि वो करें तो फिर ज़्यादा ज़्यादा गंद फैल जाएगा, मुझे सफाई नहीं करनी, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है, और अब तो बच्चे भी नहीं है यहाँ पे, तो खुद ही बच्चा बनना पड़ रहा है। फोन को लगाते हैं चार्जिंग पे, और अभी दिखाते हैं आपको जब पेंट होगा। नाश्ता रेडी हो चुका है, करते हैं यम्मी सा नाश्ता। थैंक यू गॉड। कलर खत्म करके वो सारा जा चुके हैं, और देखें कितना मैसी लग रहा है, अल्लाह मेरी टांगों में इतनी शदीद दर्द है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि सफाई कौन करेगा यार, ये एक बंदे का काम नहीं है सफाई करना, ये तो सब होंगे फिर ही होगी। और ये अंदर वॉशरूम का भी कर गए हैं, एक बार छत पूरी साफ करके चले गए हैं, छत क्लीन करके चले गए हैं। और ये देखें, अभी मैंने दीवार को टच कर दिया था तो मेरे हाथ में कलर लग गया, किचन बच गया, किचन मैंने, और कमरे में नहीं आया, मुझे कह रहे थे कमरे में भी करना है लेकिन कमरे में नहीं किया और चले गए, आई डोंट नो। देखें यार, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती कि यार देखें ये हॉस्टल है, हॉस्टल में हॉस्टल की तरह ही रहना चाहिए, ये इतना सारा सामान लेने की क्या ज़रूरत है भाई, मतलब आपने यहाँ सारी ज़िंदगी तो नहीं गुजारनी। मतलब अगर मैं भी एक चीज़ लेने जाऊँगी तो मैं पहले सोचूंगी कि मेरे पास 2 घर में पड़ी हुई हैं, या मेरे पास 1 घर में पड़ी हुई है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा लूँ, ये सारा एक्स्ट्रा सामान है। देखें मतलब एक तो आपका अपार्टमेंट इतना मैसी लगता है, एक आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें, आप उन आपको रखने की जगह नहीं है उनको कहीं पे, हाँ अजीब सा सिस्टम बनाया हुआ है मैंने, हॉस्टल्स को जो है वो घरों की तरह मेंटेन किया हुआ है, घरों में भी हर चीज़ का तरीका से लिखा होता है, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कोई तरीका नहीं है। ये देखो अब इनको समेटे कौन, मैंने तो मैं समेटना, ये सारी चीज़ें उनकी हैं, अब वो किस तरह से इनको डिलीट करती हैं वो वही जानती हैं। क्लीनिंग ज़रूर करवाएंगे साथ, क्योंकि हमारा भी अपार्टमेंट है तो क्लीनिंग तो बनता है, लेकिन ये चीज़ें उनकी हैं सारी, कैसे मैं समेटूँ अब अकेले। सो वेट करते हैं बाकी सारी रूममेट्स का, अपार्टमेंट मेट का, वो आती हैं तो फिर करते हैं क्लीनिंग मिलके। तो थैंक गॉड मैंने चीज़ें तो घर कमरे के भी इधर उधर की थी, लेकिन वो रूम में नहीं आए हैं। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थक किस बात पे गई हूँ, थकना उनको चाहिए, थकी मैं हूँ, तो मैं तो वेदर को ही देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वेदर आज बहुत प्यारा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई फ्रेंड नहीं है तो कहीं जा नहीं सकते हैं। शाहीन को मैंने मैसेज किया है, शाहीन आती है, वो ड्यूटी गई हुई है, शाहीन ड्यूटी से आती है तो फिर उसके साथ जो है मैं करूँगी या कि चल बाहर चलते हैं। और आज सैटरडे फ्राइडे संडे है तो पाकिस्तान में चर्चेस लगे होंगे इस वक्त, तो घर पे मैंने बात की थी, वो सब चर्च गए हुए थे, तो अभी मेरे हस्बैंड की भी आज डबल ड्यूटी है, मॉर्निंग इवनिंग है, तो अभी अम्मी भी मेरी ड्यूटी गई होंगी, चर्च गई होंगी, वो आती हैं, फिर मैं बच्चों से बात करती हूँ,
सो आज का छुट्टी का दिन सारा मैंने ऐसे ही गुजारना है, बस घर वालों को तंग कर करके। और रियली छुट्टी का दिन आपका यही दिल करता है बस, आप जो शादीशुदा लोग हैं उनका तो दिल करता है कि भाई वो बच्चों से बातें करें, या अपने हस्बैंड से बात करें, या घर वालों से बात करें, या घर वाले को देखो। अब जो अनमैरिड है उनका मुझे नहीं पता है कि उनका क्या दिल करता है और उनकी क्या रूटीन है, लेकिन मेरी तो यही रूटीन है। मेरा बाहर जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता है, मेरा बाहर घूमने फिरने को बिल्कुल दिल नहीं करता है। मैं कहती हूँ जो वक्त गुजरे अपनी फैमिली के साथ गुजारो, क्योंकि आप पहले ही इतना दूर बैठे हुए हो, फिर आपके पास जो वक्त है, ड्यूटी से आप इतने थके आ रहे आते हो, फिर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो। मेरी ये थिंकिंग है, बाकियों की खैर मुझे नहीं पता, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने डिसीजंस हैं, और सबने अपने अपने गोल्स तय किए हुए हैं, तो हम क्यों इंटरफेयर करें। लेकिन मेरी ये थिंकिंग है कि जो वक्त गुजरे आप अपनी फैमिली के साथ गुजारो, क्योंकि हम पहले ही घरों से इतना दूर बैठे हुए हैं, और फिर जो है ऊपर से हम ये बोलें कि छोड़ो क्या फ़ोन करना है, या छोड़ो घर वालों से क्या बात करनी, तो चलो घूमने चलते हैं, या यहाँ चलते हैं, या वहाँ। एक तो आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो, ठीक है, दूसरा आप अपनी सेविंग भी ख़राब कर रहे हो, और तीसरा जो है ना आप थक हार के फजूल में थक हार के घर आ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कोविड को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही, क्योंकि स्टिल 6 मंथ हो गए हैं, हमारी सैलरी नहीं आई है, सो मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बाहर जाती और आप लोगों के साथ कोविड को एक्सप्लोर करती। सो होप सो सैलरी आने वाली है, सुना है हमने कि सैलरी आने वाली है, तो फिर जो है मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कोविड को, कोविड की खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस दिखाऊंगी आपको, और बीचेस दिखाऊंगी, रेस्टोरेंट्स दिखाऊंगी, और पूरा मैं कोविड को एक्सप्लोर करूंगी। क्यों बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि हम नई कंट्री में आए हैं, नए लोगों में आए हैं, उनका रहन सहन, कल्चर, खाना पीना, हर चीज़ को हमें देखना चाहिए, तो अच्छी बात भी है, लेकिन डिपेंड्स ऑन पॉकेट। अगर आपकी पॉकेट इजाज़त देती है तो आप जाओ, अगर आपकी पॉकेट इजाज़त नहीं देती तो आप ना जाओ। इस वक्त मेरी पॉकेट इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। और वैसे भी मतलब मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, कि मेरे हस्बैंड आए तो फिर हम घूमें फिरें, क्योंकि बस हस्बैंड तो हस्बैंड है यार। तो कोविड में कोई ऐसी कोई ख़ास फ्रेंड भी नहीं बनी कि इंसान जिससे अपनी बातें शेयर करे, या बातें करे, या बोले कि वाकई, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ बैड एक्सपीरियंस रह चुका है। सो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार हॉस्टल की लाइफ जी रही, पहली बार नर्सिंग की तब भी अपने घर से आए गए, स्पेशलाइजेशन की तब भी अपने घर से आए गए, फिर जब बैचलर किया तब भी अपने घर से ही आए गए। तो मतलब मैंने पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार मैं घर से इतना दूर आई हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मैंने हॉस्टल देखा, ज़िंदगी में पहली बार मैंने दूसरी लड़कियों के साथ रहना सीखा, और मतलब मेरे लिए सब चीज़ें न्यू थी। और खैर आते ही मुझे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स मिली, शाहीन, जबीन और अतीका बाजी। अतीका बाजी इज़ द वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी इन कोविड, सो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अतीका बाजी अगर आप मेरी वीडियो देखती हैं, सो इस वीडियो में मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, आपकी जैसी दोस्त मुझे इन 9 मंथ में अभी तक कोई नहीं मिली अतीका बाजी। सो मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, आप जहाँ भी रहती हैं, जिस भी हॉस्टल में रहती हैं, खुश रहें, क्योंकि आप डिज़र्व करती हैं। सो आपको अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को ना मिलाए। और उसके बाद अतीका बाजी के बाद मेरा बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए जो है ना आप डोंट ट्रस्ट टू एनीवन। हमने एक मूवी देखी थी नाउ हियर, तो उसमें जो है ना उसका हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ को कहता है मीकू डोंट ट्रस्ट एनीवन। सो मैंने वही बात जो अपने माइंड और अपने दिल में रखी हुई कि आशा डोंट ट्रस्ट एनीवन, यहाँ पे कोई ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। आप किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहते हो, आप अपना किसी को दोस्त भी कहते हो अच्छा, तो वो भी आपका दोस्त नहीं है। सो मेरा तो बेस्ट फ्रेंड मेरे हस्बैंड है भाई, क्यों आई मैं तो बस अपने हस्बैंड को मैं कहती हूँ कौन सा वक्त हो बस मेरा हस्बैंड जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाए। तो बहुत ज़्यादा उदास हूँ मैं अपनी फैमिली से, तो होप सो मैंने दिसंबर में जाना है लीज पे, तो खुदा मेरे साथ हो, जल्दी जल्दी दिसंबर का वक्त आए अच्छा अच्छा और मैं खुशी खुशी जाकर अपनी फैमिली को मिलूँ। सो आज का मेरा डर्टी होम व्लॉग कैसा लगा आपने ज़रूर कमेंट में बताना, और प्लीज़ कम एंड क्लीन विद मी, कि आप सब भी आए हो मेरे साथ सफाई करें, क्योंकि मैं अकेले नहीं करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
जो भी मेरे चैनल को देख रहा है इस वक्त और सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी सारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। सो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी जो है मैं एक बड़ी व्लॉगर बन जाऊं। सो गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत सारी दुआएं हैं, मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत सारा प्यार है, और इसी तरह आप सब भी अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करवाएं और मेरी वीडियोज़ को वॉच करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और लाइक करें मेरी वीडियोज़। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Thank you.